मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शारदीय नवरात्र के पावन पर्व पर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। नवरात्रि पर्व की पूर्व संध्या पर जारी अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि देवी दुर्गा के नौ स्वरूपों की आराधना का ये पर्व हमें मातृ शक्ति की उपासना और सम्मान की प्रेरणा देता है। समाज में नारी के महत्व को प्रदर्शित करने वाला ये पर्व भारतीय संस्कृति की महान परंपरा का भी प्रतीक है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। नमस्कार। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा की उपासना को समर्पित पर्व शारदीय नवरात्र के शुभारंभ पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। यह पावन पर्व आपके जीवन में सुख समृद्धि और प्रसन्नता लेकर आए, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो, ऐसी भगवती माँ दुर्गा से मेरी प्रार्थना है। नवरात्र का यह पावन पर्व समाज में मातृशक्ति की गरिमा और उनके महत्व को स्थापित करता है। हमारी सरकार प्रदेश में माताओं और बहनों के समग्र कल्याण के लिए सदैव तत्पर रहती है। इस दिशा में महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार से जुड़ी बहुत सी योजनाएं लागू की गई हैं। आप सभी के आशीर्वाद से उत्तराखंड राज्य में हम निरंतर अपनी माताओं बहनों के लिए समर्पित होकर कार्य कर रहे हैं, ताकि उन्हें सामर्थ्यवान बनाया जा सके। एक बार पुनः आप सभी को शारदीय नवरात्र के शुभारंभ की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।